हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर स्वागत करता हूं आपका। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 स्टार्ट की थी, उसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमने देखा था। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने दो इक्वेशंस बनाई थी। वो हमारा क्वेश्चन कौन सा था वो हम देखते हैं कि भाई द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो फाइंड द नंबर। तो आपको क्या निकालना था, आपको नंबर फाइंड आउट करना था। तो हमने देखा था भाई जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो क्या था, वो था हमारा एक्स प्लस 10y, ठीक है। अब देखिए हमने वहां पे कैसे क्या किया था, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड आउट करना है एक नंबर को, तो हम देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या देखेंगे हम कि भाई यहां तो 11x है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव है, तो हमको क्या करना है, हमको केवल क्या करना है दोस्तों, दोनों को ऐड करना है। बट क्या करेंगे, हमको कौन सा मेथड करना है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक टर्म को हम एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि हमने एक्स को एलिमिनेट करेंगे, यहां पे वाई को एलिमिनेट करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, हमने देखेंगे भाई ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, बट क्या कमी किस चीज की है। यदि हम यहां पे 11 हो जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/11 से, हम 11 से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल 99। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए हमको क्या करना है, हमको जो सॉल्यूशन निकालना है वो कौन सी इक्वेशन से निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से। अब यहां पे हम देखेंगे भाई यहां पे 11x नेगेटिव है, यहां पे 11x पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं, हमने देखा कि 11x प्लस 11y इक्वल 99, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लिखी हमने, थर्ड इक्वेशन लिखी 11x प्लस 11y इक्वल 99। हमने फिर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 11x प्लस 88y, ठीक है, इक्वल 0। ओके, अब हमको क्या करना, ऐड करना। ऐड करेंगे तो हम देखेंगे भाई 11x पॉजिटिव है और एक 11x नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहां पे हम देखें क्या हुआ, 99y इक्वल कितना हुआ, 99। तो यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 99/99 कट होके y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 1, ठीक है। अब हमारी क्या है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर और किसी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल 9। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8। तो अब देखिए हमको क्या करना था, हमारे सामने भाई x की वैल्यू भी आ गई, हमारे सामने y की वैल्यू भी आ गई, तो हमको क्या फाइंड आउट करना था दोस्तों, हमको नंबर फाइंड आउट करना था। अब नंबर क्या होता है, हमने देखा था नंबर जो हमने लिखा था वो क्या था, x प्लस 10y, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब यहां पे हमको x की वैल्यू पता है, हमको y की वैल्यू पता है, हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 8 प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट आई हमारी 1, तो यहां क्या होगा 8 प्लस 10, तो आपका क्या हो गया 18, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए, हाँ सर आपने निकाल तो दिया 18, लेकिन क्या है, उसने जब हमने क्वेश्चन देखा था दोस्तों उसमें क्या था, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज कितना, 9। अब देखिए यहां पे कितने डिजिट है, अब देखिए 18 है, अब 18 में कितने डिजिट है, 1 और 8, इन दोनों को का सम करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 9। फिर उसने बोला था रिवर्स करेंगे, अब रिवर्स भी कर देंगे इसको, 18 का रिवर्स क्या होगा, 81, तो उसका भी क्या होगा, 9। तो इस तरीके से हमको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ वन पार्ट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, और देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूं हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज
2000। अब क्या है, वो मीना है वो बैंक में जाती है और 2000 रुपए निकालती है, ठीक है। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। उसने क्या बोला कि कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बोला मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल है ना 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। तो उसने क्या बोला कि भाई उसको, ठीक है, मीना है, मीना क्या है बैंक में जाती है, उसने बोला उसने उसको विड्रॉ करने कितने रुपीज 2000, ओके। अब उसने एक कंडीशन दी है कि भाई उसने जो कैशियर को बोला है, उसने बोला कि मेरे को रुपीज 50 के और रुपीज 100 के क्या है नोट्स लेने हैं, ओनली नोट लेने हैं, ठीक है। नोट लेने हैं मतलब 50 रुपए का नोट होना चाहिए और 100 का नोट होना चाहिए, उसके अलावा कोई नोट नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या है, उसको कैशियर ने दे दिए 25 नोट दे दिए पूरे नोट्स, मतलब जो 25 नोट्स दिए ना दोस्तों वो क्या है, वो 50 रुपीज के भी हैं और 100 रुपीज के भी हैं। तो यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं। सिंपल, ध्यान से एक बार और समझेंगे, क्या है, मीना है, मीना बैंक में जाती है और वो उसको विड्रॉ करने मतलब निकालने हैं, कितने निकालने हैं 2000 रुपीज, ओके। उसने कैशियर को बोला कि मेरे को 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है। तो कैशियर है उसको 25 नोट्स दे देता टोटल नोट्स। अब उसने कैसे, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जो 25 नोट्स है ना उसमें हमारे 50 रुपए का भी नोट है और उसमें 100 रुपए का भी नोट है, तो आपको ये बताना है कि भाई 50 रुपए का नोट हमारे कितने नोट है, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट कितने हैं। तो देखिए जो कहानी है हमारी इस क्वेश्चन में वो क्या है, या तो 50 और 100 रुपए दोनों के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हम 50 रुपए के नोट कितने हैं भाई, उसके पास कितने हैं नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, लेट द नोट ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 रुपीज के नोट कितने हैं उसके पास हम मान लेते हैं। हमको नहीं पता भाई कि भाई एक है, दो है, दस है, कितने हैं, ठीक है, क्या है एक्स, अच्छा ठीक है। अब 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, लेट द नोट्स ऑफ रुपीज 100 वो कितने हैं, वो हम लिखेंगे वाई, ठीक है। हमको नहीं पता, अब देखिए नहीं पता तो वही तो हमको फाइंड आउट करना है ना दोस्तों, हम इजीली निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ध्यान से, कि उसको है ना टोटल 25 नोट्स मिले हैं, टोटल 25 नोट्स मिल गए, उसने बोला ठीक है अब 25 नोट्स मिले हैं तो इसका मतलब ये था, या तो ये 50 रुपए के हैं या ये 100 रुपीज है, ठीक है, कि क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई इक्वल 25, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। सर ये क्या किया, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते दोस्तों मैथ में, उसमें जो बोलना है स्टेटमेंट हमने उसी के अकॉर्डिंग किया है क्वेश्चन, कि भाई इसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स का मतलब क्या है, 50 रुपए के और 100 रुपए के दोनों नोट को हम यदि मिक्स करते हैं तो उसको टोटल 25 नोट्स है, तो हमने देखा x plus y equal 25, ओके। अब यहां पे एक कंडीशन और है, क्या है, देखिए एक इक्वेशन तो आ गई थी आपके सामने, सेकंड इक्वेशन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, चुटकी बजाते ही सॉल्व होगा, और सर हमको यही करना है। उसने बोला कि भाई उसको, उसने 2000 रुपीज नोट निकालने हैं, नोट निकालने हैं नहीं, 2000 रुपीज निकालने हैं, रुपीज निकालने हैं, तो क्या है वो, किस किस के हैं, वो हम देखेंगे भाई 50x प्लस 100x इक्वल 2000, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर ये क्या कर दिया, एक बार ये और समझा दो, क्या है, कुछ अलग ही नहीं किया भाई, उसने 2000 रुपए निकालने हैं, अब 2000 रुपए क्या है, तो उसको 50 रुपए के मिलेंगे या उसको 100 रुपए के मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि उसने कैशियर को बोला है। अब यहां पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके सामने, इक्वेशन नंबर 2 आएगी, अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकल गई तो भाई 50 रुपए के नोट पता लग जाएंगे, वाई की निकल गई तो भाई 100 रुपए के नोट मिल जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था दोस्तों, ध्यान से हम यहां पे देखें, क्या दोनों इक्वेशन में कहीं प्लस माइनस है, नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखिए मेरे पास कमेंट आया था कि भाई सब्ट्रैक्ट क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमको एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, ओके। अब देखिए एलिमिनेट हम किसको करें, अब हम एलिमिनेट भाई हम y को कर लेते, सॉरी ये 100y आएगा यहां पे, क्योंकि ये
हमने 100 रुपए के हैं, वाई मान ले। अब हम क्या करेंगे सर, हम हमेशा एक्स को करते हैं, क्यों ना आपकी बार वाई को एलिमिनेट करें। कर लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, दोनों को सेम तो करना पड़ेगा। अब उसको करने के लिए क्या करेंगे, यहां तो वाई है ठीक है, ये 100y है। अब इन दोनों को कंपेयर कर, दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by किससे, 100 से। हां सर, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 100x प्लस 100y इक्वल 2500। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या कुछ अलग किया? नहीं सर, हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। अब किससे करना है, अब मैं कहता हूं कि भाई हमको इक्वेशन दोनों को, कौन कौन सी इक्वेशन को कंपेयर करना है, सेकेंड और थर्ड को। ओके, अब देखिए हम एक लाइन लिखते हैं, क्या है, सब्ट्रैक्ट। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दिस फ्रॉम इक्वेशन दिस। दिस दिस का मतलब क्या हुआ, अब देखिए दिस दिस का मतलब ये हुआ दोस्तों, दो या तीन, यहां पर मैं 2 लिखूं, यहां पे 2 लिखूं। अब देखिए आपको क्या करना है, हमको पता है भाई हमको 3 में से 2 घटाना है ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब मैंने बोलना था यहां पे ध्यान देने के लिए क्या, कि भाई फ्रॉम से आगे जो भी इक्वेशन आएगी ना वो हम ऊपर लिखेंगे, उसमें से हमको माइनस करना है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से आपको क्या माइनस करना, 2 को, मींस 3 - 2 हुआ इसका मतलब दोस्तों ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, बस हो गया सोल्व। सर आप इतनी इजीली बोल कैसे रहे, देखिए क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। अब देखिए 3 में से 2 है, हम थर्ड वन इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, वो क्या है, 100x प्लस 100y इक्वल 2500 ठीक है। इक्वेशन 2 को लिखेंगे 50x प्लस 100y इक्वल 2000 ठीक है। अब क्या करना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे ये साइन माइनस, ये साइन माइनस और ये साइन माइनस ठीक है। माइनस माइनस से हम क्या चीज देखेंगे भाई, 100y पॉजिटिव है, 100y यहां पे नेगेटिव है, कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, 100x माइनस 50x, तो क्या होगा हमारे सामने आया 50x इक्वल ओके। अब 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 500 ओके। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालने, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 500 by 50, यहां से देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। एक्स की वैल्यू 10 आई, हां भाई एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब क्या है, हमको पता लग गया जो 50 रुपए के नोट है ना दोस्तों वो कितने हैं, वो हमारे 10 हैं। तो अब वाई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अब देखो, अब यहां से देखिए हम इजिली बता सकते हैं कैसे भाई, उसके पास टोटल नोट 25 थे, उसमें से हमको पता लग गया 10 नोट तो 50 के हैं, तो 100 कितने, 100 के नोट कितने रह गए, आप बता दोगे इजीली 15। तो हम, लेकिन इसको देखो क्या है, मैथ में हमको मार्क्स लेने तो ये चीज करके दिखानी होती है, क्या लिखेंगे अब देखिए कैसे, अब इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल कितना 10 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, तो यहां पे 10 प्लस वाई इक्वल 25, देन वाई इक्वल आप देखेंगे 15 ठीक है। अब यहां पे आपको पता लग गया, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, 100, द टोटल नोट ऑफ रुपीज 50 इज कितना 10, टोटल नोट ऑफ रुपीज 100 कितना इज 15। अब देखिए हमको क्या करना है, अब देखिए हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। सर क्रॉस चेक का मतलब, क्रॉस चेक का मतलब ये देखेंगे, हमने जो ये 10 और 15 निकालने हैं, क्या इनकी वैल्यू हमारी 2000 रुपीज आ रही है, कैसे देखते हैं। अब देखिए 50 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास, 10 है, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं उसके पास, 15 है। इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 500 हो गया, इसको हम देखेंगे तो ये कितना होगा, 1500 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो गया। और उसने यही तो बोला है कि भाई उसके पास 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट है, टोटल कितने विड्रॉ कर रही है वो, 2000 रुपीज, जो हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, फिर भी देखिए ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम आनी चाहिए, यदि आपको प्रॉब्लम आएगी तो ये पता लगेगा यहां पे मैंने गलती की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सर, बार बार बोल रहे हो आप, कमेंट सेक्शन में कर देंगे, क्या कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 से 2 बार हम समझ में जाएंगे, यदि हो सकता है यही एग्जाम में आ जाए तो क्या है, आपको गलती नहीं करनी है।
ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट वन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में क्या है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे इसके एग्जांपल्स कितने हैं, ठीक है, फिर हम इसको एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। लास्ट वन एग्जांपल है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, एक लाइब्रेरी उसका एक फिक्स चार्ज है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है उसका, कितना है नहीं पता, ओके। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब फिर क्या है, 3 दिन तक तो उसका क्या है दोस्तों, फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो क्या होता है, ईच डे चार्ज एडिशन होता है, एडिशन मीन्स उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, ओके। क्या है, श्रीथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर कितने 7 डेज। उसने बोला कि 7 डेज है ना, 7 डेज एक श्रीता ने बुक ली कितने कितने रुपए में, 27, ठीक है। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैट फॉर 5 डेज, 5 डेज सुसी ने रखी और उसको कितने रुपए दिए उसने, 21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, आपको दोनों निकालने, क्या निकालना है। अब देखिए क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पहले देखते हैं, समझते हैं क्या है और उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है भाई, उसने क्या बोला कि उसमें एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और फिर क्या है, कुछ एडिशन चार्ज होता है, एडिशन, ठीक है, एडिशन कैसे होता है हम देखेंगे। उसने बोला कि फर्स्ट 3 डेज, क्या बोला, फर्स्ट 3 डेज मतलब पहले 3 दिनों के लिए जो चार्ज है ना वो फिक्स है। जैसे मैं किसी लाइब्रेरी में जाता हूं, मान लो ये लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी में जाता हूं तो मेरे को बोलेगा भाई 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, इतना इतना तो आपको देना पड़ेगा। बट यदि 3 दिन के बाद जाते हैं, जैसे हम 4th डे जाते हैं, ठीक है, 4th डे जब हम जाएंगे तो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, मतलब फिक्स प्लस एड, मतलब फिक्स तो रहेगा रहेगा, उसके अलावा कुछ उसमें क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो आपको दोनों बताने भाई, फिक्स चार्ज कितना है और जो डे बाय डे जो चार्ज लगता है वो कितना है। अब देखिए यहां पे श्रीथा और सुशी के बारे में बताया गया है, हम इजीली कर लेंगे, ठीक है, ओके। देखिए क्या है, समझना है क्वेश्चन अच्छा है, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन कौन सा है, 5th पार्ट जो हमारा लास्ट वन है एक्सरसाइज 3.4 में, तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, कितना है फिक्स चार्ज, कितना पता है आपको दोस्तों, नहीं तो हम करेंगे भाई रुपीज एक्स, भाई एक्स रुपया नहीं पता, और उसने बोला एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो मानेंगे लेट द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है रुपीज वाई मान लेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे एक चीज, अब ये जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिनों के लिए है, 1 दिन के लिए नहीं, उसने बोला 3 डेज के लिए, 3 डेज के लिए तो उसका एक फिक्स चार्ज है, मतलब यदि कोई भी लाइब्रेरी में जाता है उसको भाई फिक्स चार्ज एक्स रुपए तो देना पड़ेगा। अब आगे क्या, ध्यान से देखेंगे हम, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां पर समझेंगे, उसने क्या बोला कि भाई श्रीथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अब यहां देखिए उसने बोला भाई एक बुक है श्रीता ने, उसने 27 रुपीज दिए हैं, ठीक है, और वो बुक उसने कितने दिन रखी है, 7 डेज, और रुपीज कितने दिए, 27। तो अब यहां पे हम देखेंगे ध्यान से, अब देखिए 7 डेज है, 7 डेज को हम क्या करेंगे, देखिए भाई हम उसमें लिख लेंगे 3+4 लिख सकते हैं, सर हम इसको 2+5 भी तो लिख सकते हैं, बट सर हमने 3+4 ही क्यों लिखा, देखते हैं क्यों लिखा, ध्यान से, अब हमने ऐसे लिखा है दोस्तों क्योंकि उसने बोला है कि 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन के लिए तो एक्स रुपए उसको देने पड़ेंगे, और ये जो है ये उसको वाई रुपए देने हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, वो 27 के इक्वल हुआ, ठीक है। बट सर एक चीज, अब ये जो वाई है वो कितने दिनों के लिए देना, देखिए ये क्या है, ईच एक्स्ट्रा डे, 1 दिन का चार्ज बोला मैंने वाई रुपीज, लेकिन ये चार्ज कितने दिन का, 4 डेज का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4y, समझ में आया, देखते हैं ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सुशी ने क्या बोला कि भाई 7 डेज के लिए रखा है, 7 डेज के लिए एक बुक ली है, कितने में, ₹27 में, ठीक है। अब देखिए भाई उसमें फिक्स चार्ज लगना है एक्स, ठीक है, कितना है नहीं पता, 3 डेज के लिए फिक्स तो हो गया, अब 4 डेज वो एक्स्ट्रा लिए उसने, उसमें कितना लगेगा वाई, और वो किसके इक्वल है, 27,
क्लियर है? ध्यान से एक बार और देखेंगे हम इसको, एग्जांपल से अलग लेते हैं। यदि मैं कहता हूं मैंने बुक भाई 10 डेज के लिए ली, कितने दिन के लिए? ठीक है, 10 डेज के लिए। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। 10 डेज के लिए मैंने एक बुक ली, ठीक है। उसने बोला भाई 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए, तो चार्ज हो गया एक्स, ठीक है। मतलब भाई एक्स डेज क्या है, हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे, एक तो 3 डेज में और कितना बच गया 7 डेज। मतलब है 3 दिन के लिए तो उसको कुछ ना कुछ रुपए देने हैं, फिक्स वो है। अब क्या है, अब देखो, देखिए 7 डेज है, 3 डेज के बाद 4th डे जो आएगा उसमें आपको एक अलग चार्ज देना है, उसको अलग देना है। मतलब ऐसे ऐसे आपको कितने दिन, 7 डेज। तो यहां पे लिखेंगे 7y। अब 7y क्यों लिखा, क्योंकि जो y है वो हमारा एक दिन का है, लेकिन ये किसने कितने दिन रखी है, 7 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल रेडी आपके लिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके सामने, बिल्कुल सर ये तो इजी है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या बोलता है वो, कि भाई सुशी पे 21, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एक सुशी अलग है, उसने क्या हुआ रुपीज पेड किए 21, ठीक है, एक बुक के लिए, एंड सी कैप्ट फॉर 5 डेज। और उसने कितने दिन लिए हैं बुक को, उसने 5 दिन के लिए बुक ली है। अब 5 दिन के लिए यदि हम इसको ब्रेक करें तो ये भाई 302 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने 302 क्यों किया, क्योंकि भाई पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, जो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना वो तो 2 दिन के लिए देना है, तो ये क्या होगा एक्स प्लस 2y। समझ में आ गया? तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस 2y इक्वल कितने कितने रुपए दिए हैं, 21 इक्वल 21। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां से आपको क्या करना, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या है, x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जब मैंने बोला ये चीज इंपॉर्टेंट, सर हमको तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं इसमें, लगा कहां पे, यहां पे गलती होगी कहां पे, ये 4y और 2y में, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे देखें क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं सर यहां पे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हमको ये इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या करें हम इसको, कहीं से देखेंगे एक ध्यान से, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो हम यदि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 डायरेक्ट माइनस कर दें तो हमारा इक्वेशन सोल्व। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए मैं बार बार एक फोकस कर रहा हूं आपको कि भाई ये लाइन ध्यान से करनी है, ठीक है। यहां आपको समझ में आ गया होगा भाई इसका मतलब क्या है। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे क्या है, एक्स प्लस 4y इक्वल 27, इसको लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल 21। माइनस करना है तो क्या होगा, यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहां से हम क्या देखेंगे भाई, x से तो x कट गया, 4y माइनस 2y क्या हुआ 2y, 27 में से 21 माइनस हुआ कितना हुआ 6, तो y की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 3। मतलब क्या है, एक दिन का चार्ज उसका कितना है, 3 रुपए है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, पुट y इक्वल 3। कहां पे पुट करेंगे 3 को, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जहां पे हमारा मन करे हम लिखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। x की वैल्यू निकालनी है प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल 27, x प्लस 12 इक्वल 27, x इक्वल 27 माइनस 12 एंड दिस इज 5 और ये क्या है 15। तो मतलब क्या है कि भाई 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज। मतलब 3 दिन आप किसी उस लाइब्रेरी में जाते हैं तो 15 रुपए तो देने ही देने हैं, ठीक है। हाँ भाई, 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 3 रुपीज। आइए हम एक बार इसको चेक करते हैं कि हमने सही निकाला है। तो देखिए यहां पे फिर आपको एक चीज, हाँ सर वो चीज तो हमको लिखने की, हैंस द फिक्स चार्ज इज रुपीज कितना, एक्स इज रुपीज 15 एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज कितना 3। अब देखिए उसने क्या है, ये इक्वेशन है, क्या ये 27 के इक्वल है, x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए 15 प्लस 12 दिस इज 27, यही हमारा 27 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए यहां पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भाई इसके एग्जांपल्स कितने हैं,
ठीक है। अब वो चीज आपने सोल्व की है या नहीं की है देखते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 12 आपने किया हुआ है, क्या था कि भाई एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, अब देखिए ये क्या, हाँ आप इसको स्टार मार्क लगा लो, इंपोर्टेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि देखिए ये सेम क्वेश्चन कौन सा है, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में का थर्ड पार्ट क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिफर बाय 2 तो फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब देखिए क्या करना है, नंबर बताने और कितने इसके बनते हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले उसने क्या बोला कि भाई दोनों नंबर आपस में डिफर है, तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन आते ही आपको पता भाई एक नंबर, नंबर क्या होता है, देखिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था नंबर हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं 23 बोलता हूं, 23 इज अ नंबर, उसमें क्या है, 3 क्या है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, या हम इसको बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, 2 क्या हमारा, ये हम बोलते हैं इसको टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है। हाँ हमको सर आपने इतने, क्योंकि उसने बोला टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर में कौन सा, एक तो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस डिजिट होगा, तो हम क्या मानेंगे कितना है, हमको नहीं पता तो मानेंगे लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, चलो लिख लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, वो कितना होगा आपके सामने, एक्स होगा भाई, टेंस कितना होगा, टेंस हम मान लेंगे वाई होगा, तो हमारा नंबर क्या होगा। अब देखिए यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे इससे ही हमारा आंसर निकलता है और यहां पे ही गलती होती है। अब देखिए नंबर निकालते हैं तो क्या है, जैसे 23 एक नंबर है, 23 को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 × 10 प्लस 3 × 1, भाई वंस प्लेस डिजिट में एक डिजिट होती है, इसमें कितनी होती है, 2 होती है, तो हम किसको क्या लिखेंगे, 20 प्लस 3 दिस इज अ 23, ठीक है। तो हमने देखा नंबर, नंबर यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मानना हमने, x मानना है, टेंस प्लेस को क्या मानना है, y, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 10y प्लस x हो गया। अब देखिए क्या उसने बोला, रिवर्स करना है, रिवर्स करेंगे, 23 है, 23 को जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 32। अब 32 से क्या हुआ, हमने देखा कि यूनिट प्लेस डिजिट है वो हमारा क्या हो गया, टेंस प्लेस डिजिट, जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, तो अब ये क्या, इक्वेशन बिल्कुल डिटो चेंज हो गई, तो क्या है रिवर्सिंग रिवर्स, जब हम इसको रिवर्स करते हैं नंबर को तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10y, समझ में आया। हाँ सर हमने यही चीज की थी कि भाई हमने नंबर देखा था इसमें किया था, अब क्या करना है, अब हमको केवल जो क्वेश्चन है वो देखना है क्या वो बोलता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या है, ठीक है ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल वो मैंने सोल्व करवाया आपको, ठीक है। क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिफर बाय 2, दो नंबर की डिजिट, अब देखिए क्या है डिफर है, मतलब x माइनस वाई क्या होगी, 2 होगी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखेंगे द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑब्टेंड रिवर्सिंग इज, उसने बोला इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, सम दोनों का, कौन से नंबर का, एक इस नंबर का और इस नंबर का, जब हम दोनों को सम करते हैं तो वो कितना आता है, वो आता हमारे सामने 66। मतलब क्या बोला उसने, बोला जब हम नंबर को और रिवर्स जो नंबर होता है जब हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर इज 66। अब 66 कैसे है, नंबर कितना है, हमने लिखा 10y प्लस x, रिवर्स कितना है, x प्लस 10y इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी 66, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे 10y और यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे और कहीं y है, अब देखिए 10y प्लस x, ये हमने लिखा x प्लस 10y, 10y और 10y कितना होगा 20y प्लस 2, अब देखिए x को x को ऐड करेंगे 2x इक्वल 66, यहां से हम देखेंगे ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां इन दोनों से किससे, एलिमिनेशन मेथड से, अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है, ये तो प्लस है, यहां पे नेगेटिव और ये प्लस है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, निकलने से यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और आपसे नंबर पूछा डायरेक्ट हम इसमें नंबर बता देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब देखिए
आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास टेंथ के लिए नई एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, उससे क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।